हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स 16.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, यानी शुरू के जो पहले के 15 प्राइम नंबर्स हैं आप हमें इनका मीडियन फाइंड आउट करके बताइए। तो ये कितने प्राइम नंबर्स हमने नोट कर लिए हुए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और 15 है तो इसका मतलब नंबर कौन सा है, ऑड नंबर्स है, और ऑड है तो ऑड का ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि मीडियन अगर ऑड नंबर पे है तो कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा भी चुका हूं कि इसमें इवन नंबर माने इवन नंबर अगर आया हो तो उसे कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, वहां से आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं जिसमें अगर ये नंबर कौन इवन हो तो कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे ये क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपने प्राइम नंबर लिखे, प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं उसको समझ लीजिए। जो किसी भी टेबल नंबर से नहीं कटते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आपने नोट किया हुआ 15 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये पूरे आपके 15 प्राइम नंबर्स हैं। और ये प्राइम नंबर्स का आपको बताने हैं कि इनका मीडियन क्या होगा। ठीक है, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं एन प्लस वन अपॉन टूथ, यानी ऐसे करके हम यहाँ पे नंबर नोट करते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या लिखी हुई, 15 प्लस वन अपॉन टूथ लिख करके लिख लेंगे। ठीक है, और 15 प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन टूथ करेंगे, और यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा 8th। तो 8th आंसर नहीं है, ध्यान रखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं 8th आंसर लिख लेते हैं, 8th नंबर है। तो 8th नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर कौन सा है 19, तो 19 इट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट हो गया, बस ऑड वाला थोड़ा इजी है, इवन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए कि इवन नंबर्स अगर दिए जाए तो हम कैसे मीडियन निकालते हैं। ऑड नंबर्स आपको जितने भी आपको ऑड हो तो उन टोटल कर लीजिएगा, 15 नंबर है अगर ऑड है तो फॉर्मूला ये लगाना एन प्लस वन अपॉन टू, फॉर्मूले में पुट करिए, जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं होगा, वो नंबर पोजीशन बताता है। तो जो आपको नंबर सीरीज बनाई हुई है आपने उस पे जो नंबर पोजीशन होगा वो आंसर इट इज अ राइट। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस बात पर जरूर से जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। दोनों मीडियन में, इवन निकालने में भी और ऑड निकालने में, दोनों मीडियन पे आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तो आई होप ये क्वेश्चन कवर हो गए, वो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें मीडियन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कवर हो सकते थे मैंने सभी आपको पढ़ा दिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप में जरूर से जरूर लिखें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जितने भी क्लास 7 फ्रेंड पढ़ते हैं उनको जरूर से जरूर शेयर करिए। चैनल पर जो भी बच्चे नए सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।